नमस्कार। आज हम बात करेंगे मांग अनुसूची और मांग वक्र की। मैं डॉक्टर सुलोचना मीना, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय टोंक। मांग अनुसूची के बारे में बात करने से पहले हम मांग के नियम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में मांग के बारे में पढ़ा था कि मांग किस तरह से हमारी प्रभावपूर्ण इच्छा से भिन्न होती है। मांग और हमारी वांट्स में क्या फर्क होता है, इसके बारे में हमने जाना था। मांग का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। और दूसरा हमने पढ़ा था मांग का नियम, किस तरह से मांग एक वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा में किस तरह से मांग का नियम उनको बताता है, जिसमें हमने देखा था कि वस्तु की कीमत के अधिक होने पर मांग की मांगी गई मात्रा कम हो जाती है और वस्तु की कीमत के कम होने पर मांग की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें हमने देखा था कि मांग का नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें उसमें स्थिर रहें। अन्य बातों को स्थिर रखने के लिए हमने बात की थी कि मांग को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जो मांग के नियम में हमने देखा था कि जिनको हम स्थिर ले लेते हैं। और उसके बाद में हमने मांग फलन के बारे में चर्चा की थी। तो मांग के नियम जो है उसको व्यक्त करने के लिए ही मांग अनुसूची का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम डिमांड शेड्यूल भी कह देते हैं और उसे मांग सारणी का नाम भी दिया जाता है, जिसमें सिर्फ हम एक वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बारे में संबंध दिखाते हैं। और हमने देखा था कि मांग के नियम में वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा में दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है, जिसे हम एक सारणी के द्वारा दिखाते हैं, जिसे मांग अनुसूची का नाम दिया जाता है। इसमें हमने एक साबुन की टिक्कियों की एक कल्पित मांग अनुसूची बनाई है, जिसमें हम देखते हैं कि हमने जो कीमत है वो प्रति साबुन रुपए में ली है और मांग की मात्रा प्रतिदिन 1000 टिक्कियाँ के रूप में हमने लिया है। हम देखते हैं कि जब वस्तु की कीमत 10 रुपए होती है साबुन की, हम 5 यूनिट मांग की मात्रा हमारी होती है। इस तरह से साबुन की कीमत 9 रुपये होने पे 10 टिकिया साबुन की मांग की जाती है, और जैसे जैसे साबुन की कीमत कम हो जाती है, 9 रुपये से कम होकर 8 रुपये हो जाती है, तो साबुन की टिकिया 10 से बढ़कर उसकी मांग जो है 15 हो जाती है। इसी तरह से 8 से 7 रुपये होने पर मांग की मात्रा 1500 से बढ़कर 20 हो जाती है, और जब 7 रुपये से साबुन की कीमत कम होकर 6 रुपये हो जाती है, तो जो मांग की मात्रा थी वो 20 से बढ़कर 25 हो जाती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि लगातार हमारी मांग की मात्रा जो है वो बढ़ रही है और कीमत जो है वो कम हो रही है। 5 रुपये होने पर मांग की मात्रा 30 हो जाती है और 4 रुपये होने पर मांग की मात्रा 35 इकाई साबुन की हो जाती है। इससे हम देखते हैं कि जहाँ कीमत सबसे अधिक थी, 10 रुपये थी, वहाँ हम 5 इकाई साबुन की मांग कर रहे थे, और जहाँ पर हम 4 रुपये देखते हैं कि जहाँ 4 रुपये है साबुन की कीमत, वहाँ पर हम सबसे ज़्यादा 35 इकाई साबुन की मांग की मात्रा की मांग हम कर रहे थे। इस तरह से हम इसे विपरीत उसमें भी दिखा सकते हैं कि जब कीमत कम होती है, जैसे 4 रुपये है तो मांग की मात्रा 35 है, और जब कीमत 4 से बढ़कर 5 हो जाती है तो मांग की मात्रा घटकर 35 से 30 हो जाती है। 5 रुपये से 6 रुपये होने पे मांग की मात्रा 30 से 25 हो जाती है इकाई, और 6 रुपये से 7 रुपये होने पर मांग की मात्रा 25 से 20 हो जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि हम कीमत और मांग की मात्रा का संबंध जो है वो बढ़ते क्रम में भी दिखा सकते हैं और घटते क्रम में भी दिखा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें ये दिखाना है कि दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है, और हम यही देखते हैं कि एक अगर कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा घटती है, और कीमत घटती है तो मांग की मात्रा बढ़ती है। जब हम इस कल्पित जो हमने अनुसूची बनाई है, जब हम इसको एक डायग्राम के रूप में व्यक्त करते हैं, तो वो मांग वक्र का रूप ले लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि मांग वक्र वही सूचना देता है हमें जो मांग अनुसूची हमें प्रदान करती है। मांग अनुसूची के अनुसार ही उसको हम रेखा चित्र के रूप में ढालते हैं और उसे रेखा चित्र के रूप में दिखाते हैं। मांग वक्र किस प्रकार का होगा, ये हमारी अनुसूची पे निर्भर करता है। जिस तरह की मांग अनुसूची हमारी होगी, जैसा हमारा टेबल होगा और डिमांड शेड्यूल होगा, उसी हिसाब से मांग वक्र की शेप भी उसमें आएगी। अब जो हमने अभी टेबल देखा था, पीछे जो हमने मांग अनुसूची देखी थी, जब हम इसे डायग्राम के रूप में, ग्राफ के रूप में देते हैं, रेखा चित्र के रूप में, तो ये इस तरह की शेप ले लेता है। इसमें हम देखते हैं ओ एक्स एक्सिस पर हमने मांग की मात्रा ली है,
और ओ वाई एक्सिस पर हमने कीमत ली है। जब हम उन दोनों बिंदुओं को प्लॉट करते हैं आपस में, तो हम देखते हैं एक वक्र, उन बिंदुओं को मिलाने वाला एक वक्र हमारे पास आता है, जिसे हम डी डी कर्व कह देते हैं, जो कि हमारा मांग वक्र कहा जाता है। और इसमें हम देखते हैं कि डी डी मांग वक्र का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ झुका हुआ है और दाहिनी ओर झुका हुआ है। अब हमारे पास देखते हैं, जब कीमत ज़्यादा होती है तो मांग की मात्रा कम को दिखा रहा है, और जब कीमत कम होती है तो मांग की ज़्यादा मात्रा को दिखा रहा है। ये मांग की मात्रा और कीमत में ये ऋणात्मक संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। अब हमारे पास प्रश्न ये आता है कि मांग वक्र जो है वो नीचे की तरफ क्यों झुका हुआ होता है, क्या कारण है जिसकी वजह से मांग वक्र जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। इसके लिए हम देखते हैं कि मांग वक्र को नीचे की तरफ झुकते हुए होने के कई कारण हैं कि जिनकी वजह से मांग वक्र जो है वो दाहिनी की तरफ नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। पहला कारण है उसका प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव में हम देखते हैं कि जब दो वस्तुएं हैं जो स्थानापन्न वस्तु हैं, उनमें से एक वस्तु की कीमत कम हो जाती है और दूसरी वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, उसकी अपेक्षा जो पहली वस्तु है जिसकी कीमत कम हो गई थी वो सस्ती हो जाती है, और सस्ती होने के कारण उसकी ज़्यादा मात्रा खरीदी जाती है। इसको हम एक दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए चाय और कॉफ़ी है, चाय और कॉफ़ी दोनों स्थानापन्न वस्तु हैं, एक दूसरे के स्थान पर काम में ली जा सकती हैं। चाय की कीमत कम होने पर जो है कॉफ़ी की कीमत वही रहती है, और चाय की कीमत सस्ती होने पर चाय की मात्रा कॉफ़ी के स्थान पर अधिक प्रयोग में लाई जाएगी। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि चाय की कीमत के कम होने पर उसकी मांग की मात्रा बढ़ जाती है। इसको हम प्रतिस्थापन प्रभाव कह देते हैं। इसकी वजह से भी मांग वक्र है वो नीचे की ओर दाहिनी ओर झुका हुआ होता है। दूसरा है आय प्रभाव। आय प्रभाव में हम देखते हैं कि जब कोई वस्तु सस्ती हो जाती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय पर असर पड़ता है, और उसकी वास्तविक आय ज़्यादा हो जाती है। इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई उपभोक्ता 30 रुपये किलो के हिसाब से चीनी की मात्रा लेता है और वह एक महीने में 10 किलो चीनी लेता है, तो कहने का मतलब ये है कि एक महीने में चीनी पर उसका व्यय कितना हुआ, 30 गुना 10, 300 रुपये उसका खर्च हुआ। अब मान लीजिए चीनी की कीमत जो है वो 30 रुपये से कम होकर 25 रुपये हो जाती है, और 10 किलो चीनी के लिए उसे 250 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे। अब जो उसके 50 रुपये उसको बचे वो उसकी अधिक मात्रा में और चीनी खरीद सकता है, कहने का मतलब वो 2 किलो चीनी और खरीद सकता है। इसलिए अपनी वास्तविक आय को स्थिर रखने के लिए वो 10 की बजाय 12 किलो चीनी खरीदेगा, और इसी तरह से जैसे ही चीनी की कीमत कम हुई वो ज़्यादा मात्रा की मांग करने लग जाता है। और कम कीमत पर भी नए क्रेता आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि कीमत अधिक होने के कारण कई क्रेता उसे नहीं खरीद पाते, उस वस्तु को उससे वंचित रहते हैं, और जैसे ही वो वस्तु की कीमत कम होती है तो दूसरे नए क्रेता भी मार्केट में आ जाते हैं और वो भी उसकी वस्तु की मांग करने लग जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे ही कीमत कम होती है मांग की मात्रा बढ़ जाती है और नए क्रेता उसमें शामिल हो जाते हैं। आगे आता है हमारे पास, उपभोक्ता अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए भी कीमत के घटने पर उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदते हैं। इसे हम देखते हैं कि अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में कोई भी उपभोक्ता उस समय अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में होता है जब वो अपनी जो आय है उसको दो वस्तुओं पे इस तरह से खर्च करता है कि एक वस्तु एक्स है और दूसरी वस्तु वाई है। हमें देखते हैं कि एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता में उसकी कीमत का भाग देने पे जो परिणाम आता है, वो वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता में उसकी कीमत का भाग देने से जो परिणाम आता है, दोनों बराबर होने चाहिए। अब मान लीजिए कि एक्स वस्तु का भाव घट जाता है या एक्स वस्तु सस्ती हो जाती है, तब क्या होगा? एक्स वस्तु के सस्ती होने से जो उसका संतुलन की स्थिति थी, एम यू एक्स बटा पी एक्स इजिकल टू एम यू वाई बटा पी वाई, वो बिगड़ जाती है। कहने का मतलब एम यू एक्स बटा पी वाई एम यू वाई बटा पी वाई से अधिक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसका पुनः संतुलन की स्थिति में लाने के लिए उपभोक्ता को क्या करना पड़ेगा कि उपभोक्ता को एक्स वस्तु का उपभोग अधिक बढ़ाना पड़ेगा, जिससे एम यू की मात्रा घटेगी और उस समय जो उसने
जो पुराना संतुलन था जिसमें पुनः वो एम यू एक्स बटा पी एक्स इजिकल टू एम यू वाई बटा पी वाई के बराबर, जब तक वो नहीं हो जाता तब तक वो उस वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग करेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि की स्थिति प्राप्त करने के लिए भी उपभोक्ता कम कीमत पर अधिक वस्तुओं की मांग करता है। आज हमने इस अध्याय में देखा कि किस तरह से जो है मांग अनुसूची वो मांग के नियम को व्यक्त करती है, और मांग अनुसूची के द्वारा ही मांग के नियम को हम बता सकते हैं, उसको सारणी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। सारणी के बारे में चर्चा करें, और हमने मांग वक्र के बारे में पढ़ा कि मांग वक्र कैसे हमें सूचना प्रदान करता है और अनुसूची को एक रेखा चित्र का रूप देता है, और इसके बारे में बाद में ये चर्चा की कि मांग वक्र नीचे दाहिनी ओर क्यों झुकता है। हमने जब प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव, कम कीमत पर नए क्रेता, उपभोक्ता संतुलन, इन स्थितियों के बारे में आज आपको बताया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। और अपने जो अब नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे मांग में परिवर्तन के बारे में, कि मांग में परिवर्तन जो है वो किस वजह से होता है, डिमांड कर्व में जो परिवर्तन है वो कैसे देखा जाता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।